तो गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको टैग ढूंढने में मदद कर सकती है। जी हाँ गाइज, टैग मतलब देखो, टैग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब वीडियोस के लिए, लेकिन आप कैसे टैग को यूज़ करोगे जो कि मतलब 10-15 मिनट या फिर बहुत लोग 20-20 घंटे भी लगाते हैं टैग ढूंढने को, वो आप 1 से 2 मिनट में कर सकते हो। तो सिंपल सा गाइज, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो टैग जनरेटर, इस वेबसाइट को सिंपल सा ओपन कर लेना है। जैसे कैसे आप ओपन करोगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सा आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद सिंपल सा आपको सर्च करना है रैपिड, रैपिड टैग लिख के सिंपल सा जैसे आप सर्च करते हो गूगल पे, तो फिर ये जो देख रहे हो आप ये ऑप्शन सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आप देख रहे हो मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपको जो भी टैग आपको टैग से रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे डालने होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं कोई भी कीवर्ड डाल दूँ, अगर मैं कीवर्ड डालता हूँ लाइक यूट्यूब शॉर्ट कैसे बनाएं, ये सिंपल सा सर्च करके इंटर में प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे इतने सारे टैग्स जनरेट होकर तैयार हो चुके हैं। और सिंपल सा क्या करना होता है, बस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये सिंपल सा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मुझे करने की जरूरत भी नहीं होगी, ये आप देख सकते हो सिंपल सा कॉपी के ऑप्शन पे। और अगर मैं चाहूँ कि ये वाले टैग अच्छे नहीं है, ये मेरे चैनल के लिए सटीक नहीं है, सिंपल सा इस पर कट का ऑप्शन कर दो और सिंपल सा कॉपी कर लो। ये आप करने के बाद सिंपल सा कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो। लाइक देखो अगर मैं नोटपैड पे पेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है, सारे टैग्स को नोटपैड पे सिंपल नोटपैड ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंपल से मैं कंट्रोल भी प्रेस करूँगा और ये दो सारे के सारे टैग्स जो कि मैंने कॉपी करे थे, सारे के सारे टैग्स यहाँ पे मुझे पेस्ट होते हुए दिख जाएंगे। देख रहे हो मतलब ये प्रोसेस है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो अपने चैनल के लिए। और देखो मतलब कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, वो भी बता देता हूँ। सिंपल तो अगर मैं सीवाईटी स्टूडियो देख के सिंपल से सर्च करूँ तो सिंपल सा ये जो आप देख रहे हो, सिंपल सा मैं अपने चैनल पे चले जाता हूँ। चैनल पे चलने आने के बाद फिर सिंपली से सर्च करने का बहुत इजी तरीके में आप सर्च कर पाओगे, ठीक है। और सिंपल सा ऑप्शन आते हैं वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। हाँ, और एक मैं वेबसाइट और एक बताता हूँ जहाँ से कि आप टैग यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली वो वेबसाइट है keyword.io। ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने इसे एक्सप्लोर करा था, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से भी आप कीवर्ड मतलब यूट्यूब के लिए ढूंढ सकते हो कि कौन से कीवर्ड अच्छे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप keyword.io वेबसाइट को भी अच्छे से ट्राई करो, कोशिश करो, मतलब उस पर भी अच्छे से कंटेंट मिलते हैं, अच्छे अच्छे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे सिंपली सा, ठीक है। तो ये जो देखो keyword.io जो है, ये भी देखो अगर यहाँ पर देखो यूट्यूब के ऑप्शन पर मैं जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, इंटर करता हूँ जैसे मैं, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मुझे टैग्स देखने को मिल जाते हैं। देखो देख रहे हो, देखो कितने सारे टैग्स हैं। ये टैग्स पे आप चाहो तो वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो बेस्ट यूट्यूब शॉर्ट फिल्म वगैरह सब कुछ है ना। तो सिंपल एड ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर सिंपल से चाहूँ तो मैं यहाँ पर एड ऑल करने के बाद फिर सिंपल से कॉपी वगैरह भी कर सकता हूँ, इसे आप ट्राई कर सकते हो। और एक्चुअली मैं अभी एक कोई भी वीडियोस में टैग लगा के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं कैसा टैग वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं कंटेंट के ऑप्शन पे जाऊँ और देखो जैसे कि ये वीडियोस है, ठीक है, विंडोज़ में यूट्यूब स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करें, सिंपल सा इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं टैग के ऑप्शन पर जाता हूँ, देखो टैग के ऑप्शन में ये जो टैग्स हैं, ठीक है, सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर जाने के बाद फिर सिंपल सा अगर पहले तो मैं हटा लेता हूँ सारे वीडियोज़ को, सारे टैग्स को, ठीक है, जो कि मैंने यूज़ करे पहले से, ए टैग पे रहता हूँ, कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, सारे टैग्स आ चुके हैं। यूट्यूब शॉर्ट पर वीडियो कैसे बनाए, यूट्यूब शॉर्ट ये वो जो टैग्स मुझे इस वेबसाइट से मिले थे, सारे सारे टैग्स सिंपल सा कॉपी और पेस्ट हो चुके हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी मतलब अच्छी वेबसाइट है, मैं भी यूज़ करता हूँ मोस्टली, मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, तो ये मुझे सही लगता है। आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। जैसे अभी मैं अंडो चेंज करूँगा क्योंकि मुझे किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो ये SEO में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले से ही टैग डाल रखे थे उस वीडियोस में, ठीक है। तो ये वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियोस में आप जल्द ही लाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।